अराकीन ने पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म मायूस नजर आए हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि अगर मुल्क में खुशहाली होती तो ये फैसला दुरुस्त होता। इसी पर बात करेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी से भी हम राबता करेंगे, आपको अपडेट करें कि अराकीन ने पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में और तमाम मराआत में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि अगर मुल्क में खुशहाली होती तो ऐसे इकदाम को सराहा जाता, लेकिन अगर हम ऐसी ज़रूरियात जो कि इंसान की बुनियादी हैं वो फराहम नहीं कर सक रहे हैं तो हमें ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाना चाहिए। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि अगर मुल्क में खुशहाली होती तो ये फैसला दुरुस्त होता। उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम बुनियादी ज़रूरियात नहीं दे सकते हैं तो ये फैसला कुछ अच्छा मुनासिब नहीं है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताएगा, अब तनख्वाहों में इजाफा तो हो चुका है, वज़ीर-ए-आज़म की मायूसी क्या वापस लेके आएगी तनख्वाहों में? आज बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे पर जो है वो नोटिस देते हुए इस पर मायूसी का इजहार किया और उनका है कि जो अरकान असेंबली ने वज़ीर-ए-आला और जो अरकान की तनख्वाहों का इजाफे का बिल मंजूर किया है उन्हें इस पर शदीद मायूसी हुई है। उनका कहना था कि अगर मुल्क के हालात मुल्क में खुशहाली हो तो ऐसा फैसला जो है वो जस्टिफाइड है, जब हम मुल्क में बुनियादी जरूरत की चीजें अवाम को देने के काबिल नहीं है तो ऐसे में ये फैसला इंतहाई नामुनासिब है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म का इजहार नापसंदीदगी सामने आया इस बात पर और अब देखते हैं कि पार्टी की क्यादत क्या कहती है। वज़ीर इत्तला'आत शमसान बुखारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं है इस फैसले और पार्टी के अंदर पहले ही इस हवाले से मुख्तलिफ आरा थी जिसमें मेरी राय भी शामिल थी कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप देखते हैं कि क्यादत क्या फैसला करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।